नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंटरनेट की क्लास में हम विभिन्न प्रकार के HTML एलिमेंट्स को जानेंगे, एक सैम्पल प्रोग्राम बना के और ब्राउजर पर उसको रन करके देखेंगे कि किस तरह से वेब पेजेस रन करे जाते हैं, किस तरह से वेब पेजेस बनाए जाते हैं। तो पहले कुछ HTML एलिमेंट्स की बात करते हैं। HTML फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझा था, उसको आज फिर एक बार हम एलिमेंट समझने के बाद ट्राई करेंगे। तो अगर हमें वेब पेज पर कहीं पर भी हेडिंग्स दिखानी है, कुछ ऐसी चीज जिस ऐसा टेक्स्ट जो हम चाहते हैं बड़े बड़े साइज में आए, बड़ा टेक्स्ट साइज हो, फॉन्ट साइज ज्यादा हो, टेक्स्ट बोल्ड हो, तो उस केस में हम हेडिंग्स यूज कर सकते हैं। तो हेडिंग्स देने के लिए हमारे पास जो टैग है वो है H1, और ये पेयर टैग है। आपको जो भी हेडिंग देनी है आप वो लिखेंगे, उसके बाद स्लैश लगा के H1 टैग को क्लोज करेंगे। H1 टैग से फॉन्ट का साइज, टेक्स्ट का जो साइज है वो काफी बड़ा आएगा और बोल्डनेस भी बहुत ज्यादा होगी। अगर इसको आप कम करना चाहते हैं तो आप H2 टैग काम में ले सकते हैं। इसके अंदर भी जो आपको लिखना है वो लिखने के बाद इसकी क्लोजिंग आपको देनी है, हेडिंग जब खत्म हो गई क्लोजिंग दे देंगे। सिमिलरली वी हैव H3, H4, H5 एंड H6 टैग्स टू गिव वेरियस लेवल्स ऑफ हेडिंग्स। अगर हमारी हेडिंग का जो लेवल है, मतलब हेडिंग देन सब हेडिंग ऐसे होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग H1, H2, H3, H4, H5, H6 इनको यूज कर सकते हैं। ये सभी पेयर टैग्स हैं, इट मींस हमें क्लोजिंग देनी पड़ेगी। H3 टैग ओपन किया है तो क्लोज भी H3 टैग होगा। तो ये हेडिंग टैग्स हैं जिनको यूज करके हम वेब पेज में जो भी कंटेंट लिख रहे हैं उनको हेडिंग के रूप में दर्शा सकते हैं। पेयर टैग का क्या अर्थ बताया था कि वो टैग जो ओपन होते हैं, फिर उनके अंदर आपको जो करना है कार्य वो होता है, और स्लैश लगा के उनकी क्लोजिंग आती है। ये हेडिंग्स टैग हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा H2, फिर यहां पे हमने लिखा शॉपिंग वेब साइट, लिख दिया, हेडिंग खत्म हो गई है अगर, तो हमने स्लैश लगा के H2 टैग को क्लोज कर दिया, राइट? तो इस तरह से हम किसी भी हेडिंग टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6 जो भी हमें काम में लेना है हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, पैराग्राफ्स अगर हमें देना है, नेक्स्ट एलिमेंट हम देखेंगे पैराग्राफ एलिमेंट। पैराग्राफ देने के लिए जो टैग काम में लिया जाता है वो है पी टैग, और ये भी पेयर टैग है। इसका अर्थ कि आपने पी टैग शुरू करा, आपका जो आर्टिकल है, कंटेंट है, पैराग्राफ है, वो आप लिखते जाएंगे, और लास्ट में जब पैराग्राफ खत्म हो जाएगा तो स्लैश पी यानी कि पैराग्राफ की क्लोजिंग ये आपको देनी होगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा पी, यहां पर हमारा पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कोई आर्टिकल मैं लिख रही हूं या जो भी कुछ कंटेंट है, दिस इज माय पैरा वेयर आई वांट टू एक्सप्लेन, जो भी कुछ है, ये पैराग्राफ अगर मेरा यहां खत्म हो गया तो मैं यहीं के यहीं स्लैश लगा के
एंगुलर ब्रेसेस से टैग कैसे देते हैं, टैग हमारा एचटीएमएल एलिमेंट कैसे आता है, एंगुलर ब्रेसेस के अंदर एचटीएमएल एलिमेंट का, एचटीएमएल एलिमेंट जो हम काम में ले रहे हैं उसका यूज आता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट लगाना है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। वेब पेज को डिजाइन करना, वेब पेज का लेआउट फाइनल करना कि भाई ऐसा, तो पहले क्या करते हैं हम कागज पे एक बार एक हल्का सा लेआउट बना लेते हैं कि यहाँ पर हमारी हेडिंग आएगी, यहाँ पर ये आएगा, इस तरह से वेब पेज का पूरा जो लेआउट है वो आप फाइनल कर लीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने एचटीएमएल पेज को बनाइए। हेडिंग्स देनी है, कहाँ पे पैराग्राफ आएगा, कहाँ पे क्या लिखना है, वो सब चीजें आपको या तो दिमाग में या पेपर पे एक बार फाइनल करनी होंगी और फिर आप उसके अनुसार एचटीएमएल की कोडिंग कर दीजिए और जब आप इसको रन करके देखेंगे तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का आपको आउटपुट ब्राउजर पर नजर आएगा जैसा आपने सोचा था। तो जहां आपको अब पैराग्राफ क्या होता है, अगर हमने पी टैग लिखा है तो होगा क्या, जैसे H1 में तो हमने देखा कि क्या होता है H1 में कि भाई टेक्स्ट जो है वो बड़े साइज में आता है, टेक्स्ट साइज हमें ज्यादा मिलेगा, बोल्डनेस है ना, टेक्स्ट की डार्कनेस ज्यादा आएगी। लेकिन पी पैराग्राफ टेक्स्ट से क्या होगा, देखिए पैराग्राफ क्या होता है, हमेशा पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, नई लाइन से स्टार्ट होता है ना। तो यहां पर एचटीएमएल में क्या होता है कि ये न्यू लाइन नहीं देता। आपने नोटपैड ओपन किया, आपने टाइपिंग करी, आपने कहा कि भाई ये मैं कुछ लिख रही हूं, ये मैं नए लाइन से चाहिए, नई लाइन से, समझते हैं ना कि भाई ये चीज कंटिन्यूएशन में टैग दिखाई दे रहा है, अब जो टैग्स लिख रहे हैं वो नई लाइन से आना चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने नई लाइन से लिखा है टैग्स एडिटर में नोटपैड में तो ये आपको दिखा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसा आप लिखेंगे वैसा ही मिलेगा। अगर आपने आपने मान लीजिए यहां पे कोई लाइन लिखी और फिर ये मान लीजिए आपने एक्स करके कुछ लिखा, फिर आपने यहां पर कुछ वाई से कुछ स्टार्ट करते हुए लिखा, तो आप सोचेंगे ये वाई वाली जो लाइन है ये नई लाइन में ही दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। एचटीएमएल में आपको बताना पड़ता है कि यहां पर मुझे लाइन ब्रेक चाहिए, ठीक है। तो अगर हम पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, हम हमारा जो कंटेंट है उसको एक पैराग्राफ की जैसे ट्रीट कराना चाहते हैं, पैराग्राफ जो कि नई लाइन से स्टार्ट होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पी टैग लगाएंगे, राइट। पी टैग लिखेंगे, आपका आर्टिकल कंटेंट टैग्स जो भी कुछ है वो आपने लिखा और फिर स्लैश लगा के आपने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। तो ये तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अपने कंटेंट को एक पैराग्राफ के रूप में दिखाना चाहते हैं, राइट। तो पैराग्राफ टैग का उपयोग हमें समझ में आ गया कि अगर हमें पैराग्राफ्स लिखने हैं जो कि नई लाइन से स्टार्ट हो और पैराग्राफ खत्म होने के बाद भी हम कुछ लिखें तो वो नई लाइन से हो, उस पैराग्राफ में नहीं हो, पैराग्राफ खत्म हो चुका है। चलिए एक एग्जाम्पल कंप्लीट बना के देखते हैं एचटीएमएल फाइल की, फिर उसको हम अपने कंप्यूटर में भी आज रन करके देखेंगे कि किस प्रकार का आउटपुट आ रहा है। एक कंप्लीट एग्जाम्पल देखते हैं, H1 भी लेंगे, P टैग भी लिखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर कोई नोटपैड जैसे ओपन करेंगे और उसमें कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, HTML पहला, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई पेज की इंफॉर्मेशन देनी है तो कौन से टैग का इस्तेमाल होगा, हेड टैग का। तो देनी है तो लिखिए, अदरवाइज ना लिखिए, हेड लिख दिया। हेड के अंदर मान लीजिए मुझे टाइटल देना था तो मैंने टाइटल लिख दिया, और टाइटल क्लोज कर दिया, यहां पर हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, HTML एलिमेंट जो हम टैग्स काम में ले रहे हैं HTML के, HTML केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसके टैग्स को अपर केस लोअर केस कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन
जो चीज आप लिखेंगे आप कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में दिखाई देगा, आप लोअर में लिखेंगे तो लोअर में दिखाई देगा। दिखाई क्या देता है? जो भी कुछ आप जैसे कंटेंट लिखेंगे वो। ये तो HTML एलिमेंट्स हैं, इनको आप लोअर या अपर केस कैसे भी लिख सकते हैं। तो हेड टैग हो गया। चलिए अब बॉडी टैग ओपन करते हैं और अपने पेज का जो कंटेंट है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने H2 टैग लिखा और इसमें लिखा शॉपिंग ये मैंने कुछ टेक्स्ट यहां पे लिखा और H2 को क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर मैंने यहां पर H3 यूज किया और मैंने लिखा वेलकम विजिटर और ये क्लोज कर दिया। इस तरह से होगा। अब यहां पर मैं कुछ और लिखना चाहती हूँ कंटेंट, वो भी मैं यहां पर पैराग्राफ जो है पूरा दे दूंगी और देने के बाद पी टैग की क्लोजिंग कर देंगे। मान लीजिए पेज अभी मुझे इतना ही बनाना है तो मैं बॉडी टैग को क्लोज कर दूंगी और साथ ही साथ HTML जो टैग ऊपर ओपन किया था ये यहां पर सब बंद हो गया। ठीक है ना, ये बॉडी टैग भी बंद हो गया, HTML भी बंद हो गया। बन गया, आप इसको सेव कर देंगे और सेव करने के बाद हम इसको जब रन करेंगे ब्राउजर पर तो हमें इसका आउटपुट नजर आएगा। ठीक है, तो क्या नजर आएगा हमें? हमें ब्राउजर की टाइटल बार पे नजर आएगा माई शॉप और जो उसका कंटेंट है उसमें हमें नजर आएगा शॉपिंग पेज। हाँ, दिखा हमें दिखेगा थोड़े से कम टेक्स्ट साइज में वेलकम विजिटर, कुछ हमने कंटेंट लिखा है वो हमें नजर आएगा। तो ये चीज आपके क्लियर है, इस तरह का पेज बना सकते हैं आप। अब इसको सेव करने का तरीका क्या है? सेव करेंगे फाइल को और डबल कोट्स में, जब फाइल का नाम दे रहे हैं वहां डबल कोट्स में फाइल का नाम .html लिखेंगे। एक्सटेंशन क्या रहेगा हमारे वेब पेज का? HTML। ठीक है, और डबल कोट्स हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जैसे अगर हम नोटपैड में बना रहे हैं तो नोटपैड क्या करता है कि उसमें हम टेक्स्ट फाइल्स बनाते हैं तो ये फाइल के लास्ट में, फाइल का जो नाम आपने दिया उसके लास्ट में txt लगा देता है, तो वो आपको नहीं चाहते आप ऐसा हो, तो इसलिए डबल कोट्स में फाइल का नाम .html ये लिखेंगे और फिर ब्राउजर ओपन करेंगे। मोजिला इंटरनेट जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल क्रोम है या फायरफॉक्स है, तो ये अलग अलग हमारे पास ब्राउजर हैं। आप अपने कंप्यूटर में चेक करेंगे कि भाई कौन सा ब्राउजर है, उस ब्राउजर में आपको फाइल का चुनाव करना होगा, फाइल का चुनाव करके आपको आउटपुट नजर आ जाएगा। राइट, तो चलिए अब हम भी इस अपने इस कंप्यूटर में रन करके देखेंगे एक प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने आज दो HTML एलिमेंट सीखे जो कि कंटेंट के लिए हैं, है ना। पेज की इंफॉर्मेशन के लिए हमने टाइटल टैग सीखा था, और HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, ये सब तो है ही HTML एलिमेंट, लेकिन अगर हमें पेज में जो कंटेंट दिखाना है उसको कैसे हम एक अलग स्वरूप दे सकते हैं, तो HTML एलिमेंट को यूज करके हम बता सकते हैं कि भाई ये हेडिंग है, इसको एक हेडिंग के जैसे दिखाना है या क्या। चलिए अब एक हम नोटपैड में ओपन करते हैं यहाँ पर, और कोड लिखते हैं, और कोड लिखकर उसको रन करके देखते हैं हम। तो ये टेक्स्ट एडिटर हमने ओपन कर लिया, यहां पर हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले HTML टैग आएगा, ठीक है, HTML टैग। और HTML टैग के बाद अगर हमें पेज की इंफॉर्मेशन देनी है तो हेड टैग लिखेंगे, और हेड टैग के अंदर हम पेज की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे पेज का टाइटल, ये हमने टाइटल लिख दिया यहां पर। देना है तो यहां पर हमने लिखा H1, यहां पर हमने एक हेडिंग दे दी और H1 टैग की क्लोजिंग कर दी। अब पैराग्राफ शुरू किया हमने, जो भी हमें कंटेंट यहां पर देना है वो हम देंगे। ठीक है, यहां पर हमने कुछ कंटेंट लिख दिया। और यहां पर हमने पी टैग को क्लोज कर दिया, और बॉडी टैग को भी हमने क्लोज कर दिया, और HTML को भी क्लोज कर दिया। थोड़ा थोड़ा हम इसमें बना के और देखेंगे किस तरह से ये दिखा रहा है हमें आउटपुट। ठीक है, ये देखिए, ये पेज हमने बनाया। सबसे पहले HTML टैग आ गया, हेड टैग आ गया, टाइटल दिया हमने माय वेब पेज, टाइटल क्लोज करके हमने हेड टैग भी क्लोज कर दिया, फिर बॉडी टैग दिया, और इस बॉडी टैग के अंदर ही हमारा सारा कंटेंट आता है। तो H1 में हमने कुछ हेडिंग दी है, फिर हमने कुछ पैराग्राफ लिखे हैं, और लास्ट में हमने बॉडी टैग और HTML टैग की क्लोजिंग दी है। अब इसको सेव करना है, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव, और फोल्डर आप देखिएगा कहाँ पर सेव कर रहे हैं। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सेव कहीं और कर देते हैं और ओपन कुछ और हो जाता है, और कुछ कहीं और से ओपन करके कोशिश करते हैं, बोलते हैं हमारी फाइल नहीं मिल रही। आप सबसे पहले देखिए आप कौन सी ड्राइव में सेव कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ई ड्राइव हमने सेलेक्ट करी, या जो भी आपके कंप्यूटर में दिखाई दे रही है। अब यहां पर आप अपना एक फोल्डर
बना लीजिए, जैसे कि न्यू पर जाकर हमने फोल्डर क्रिएट करा HTML, HTML पेजेस करके हमने बना लिया एक फोल्डर। अब इसके अंदर ही हम अपनी सारी फाइल सेव करेंगे, तो डबल क्लिक करा फोल्डर के नाम पर और ये फोल्डर के अंदर प्रवेश कर गए हम। अब डबल कोट्स में हमने दिया ट्राई पेज डॉट HTML डबल कोट्स में और सेव कर दिया। ठीक है, डबल कोट्स अगर हम नहीं दें डबल कोट्स में फाइल का नाम, तब भी और भी तरीका है कि हम वहां से चुने कि भाई ये टेक्स्ट फाइल नहीं है, तो इतना सब करने की बजाय हम डबल कोट्स में भी कर सकते हैं। अब हम ब्राउजर ओपन करेंगे, तो ये देखिए आपको दिख रहा है गूगल क्रोम। ऐसे ही यहां पर आप जब क्लिक करेंगे ना, तो आपको अलग अलग ब्राउजर्स नजर आएंगे। जैसे यहाँ गूगल क्रोम नजर आ रहा है, आप अपने उस पर देखेंगे तो हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको नजर आए, है ना। तो कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, एक जैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा। और सभी ब्राउजर्स में ये देखिए ये एड्रेस बार है, है ना, यहां पर यूआरएल टाइप किया जाता है, एड्रेस टाइप किया जाता है वेबसाइट का। तो हमारी फाइल थी ई ड्राइव में, ई ड्राइव के में हमने फोल्डर बनाया था, फोल्डर का नाम था HTML HTML पेजेस। और स्लैश लगा के हम अपनी फाइल का नाम देंगे और हमारी फाइल का नाम था ट्राई पेज डॉट HTML हम टाइप कर सकते हैं या फिर हम ओपन कर सकते हैं, ओपन करके फाइल ब्राउज करके। ये देखिए ये आउटपुट हमें नजर आ रहा है, इसको हम विंडो को छोटा करके देखते हैं किस तरह से ये चीज दिख रही है। ये देखिए ये आउटपुट आ रहा है, यहाँ टैब, ये ब्राउजर जो है इसमें एक ब्राउजर में कई सारे आप टैब्स खोल सकते हैं, मतलब ये एक विंडो हो गई, एक और ये देखिए यहाँ पर है, है ना, इस तरह से मल्टीपल टैब्स ओपन किए जा सकते हैं। तो ये वाला जो टैब है इस पे लिखा हुआ आ रहा है माय वेब पेज। ऐसा क्यों लिखा हुआ आ रहा है माय वेब पेज, ये आपको अगर नहीं भी नजर आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ टाइटल पर नजर आ रहा है, इस पेज का टाइटल में क्या नजर आ रहा है माय वेब पेज। तो टाइटल टैग में आप जो भी देंगे वो नजर आएगा। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है माय वेबसाइट, फिर नीचे कुछ लिखा हुआ है दिस इज माय वेबसाइट वेयर यू कैन व्यू डिफरेंट शॉपिंग आइटम्स, है ना। तो जो भी हम लिखते हैं वो इस तरह से नजर आ जाता है। अब जैसे कि टाइटल चेंज करते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया माय शॉपिंग और वेब हटा दिया, माय शॉपिंग पेज लिख दिया। ठीक है, सेव कर, जब भी आप कोई चेंजेस करेंगे उनको सेव करिए, तभी ब्राउजर पर आपको वो चेंजेस नजर आएंगे। आप कहेंगे मैंने चेंजेस करे नहीं नजर आ रहे, कैसे नजर आएंगे, रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को। ये रिफ्रेश का बटन है रीलोड दिस पेज, या फिर F5 इसकी शॉर्टकट कुंजी है वो दबाएंगे तब भी आपको चेंजेस जो आपने सेव करे हैं, सेव करे हुए चेंजेस नजर आ जाएंगे। देखिए अब पेज का टाइटल वो हो गया माय शॉपिंग पेज, है ना, और यहां लिखा हुआ आ रहा है माय वेबसाइट, इसको भी हम चेंज करके देखते हैं माय शॉपिंग माय शॉपिंग साइट, है ना। तो ये चेंजेस करें ना, चेंजेस तभी रिफ्लेक्ट होंगे जब आप सेव करेंगे। सेव करके जाइए ब्राउजर पे, रिफ्रेश कीजिए, हर बार रिफ्रेश करने पर ही चेंजेस नजर आएंगे। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है माय शॉपिंग साइट, नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप, ये पैराग्राफ खत्म हो गया, उसके बाद आपने लेट से कुछ भी लिख, जो भी आपको लिखना था आपने लिखना स्टार्ट किया, आपने यहां एंटर की दे दी, आप सोच रहे हैं कि ये लाइन, चलिए कुछ हम सही सा लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए ये पैराग्राफ टैग क्लोज हुआ, मैंने एंटर दिया,
तो आपके इधर टैक्स रिटर्न में एंटर देने से कुछ खास होगा नहीं, है ना, लेकिन आपने ऊपर पी टैग लिखा हुआ है, इस वजह से आपका अगला जो टैक्स है वो नई लाइन से शुरू होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा माय वेबसाइट इज वेरी यूजर फ्रेंडली, ये कुछ मैंने लिखा, ठीक है, लिख दिया। आप एंटर की दी और लिखा इट हैज मैनी शॉपिंग ऑप्शंस, लिख दिया। अब देखते हैं, चलिए सेव करते हैं एक बार। सेव करा, यहां आए और रिफ्रेश किया, F5 की दबा दी, देखिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है माय शॉपिंग साइट, जो हमने हेडिंग में दिया था, पैराग्राफ में हमने दिया था दिस इज माय वेबसाइट वेयर यू कैन व्यू डिफरेंट शॉपिंग आइटम्स, वो भी लिखा हुआ आ रहा है। पैराग्राफ के बाद हमने लिखा था कुछ माय वेबसाइट इज वेरी यूजर फ्रेंडली, इट हैज मैनी शॉपिंग ऑप्शंस, तो इट हैज मैनी शॉपिंग ऑप्शंस नई लाइन से शुरू हुआ था ना, लेकिन यहाँ पर तो ये नई लाइन से शुरू नहीं हो रहा, हमने एंटर की भी दी थी। ये देखिए एक और एंटर की देके देख लेते हैं, अब इसको सेव जरूर करिएगा और रिफ्रेश करेंगे, पर यहां पर नहीं आ रही एंटर की, ऐसा क्यों? यहां पर नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। ये देखिए मैं आपको ये जूम करके दिखाती हूं, ये देखिए My website is very user friendly. It has many shopping options. लेकिन it जो है ना वो नई लाइन से शुरू नहीं हो रहा, जबकि ये देखिए यहाँ पर हमने नई लाइन से दिया है। यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं। सेव कर देते हैं और इधर जाके रिफ्रेश करते हैं, ये कि फुल स्टॉप भी आ गया लेकिन नई लाइन नहीं आई, क्यों? क्योंकि यहां पर आपने दिया नहीं है कि नई लाइन चाहिए। नई लाइन देने के लिए एक br टैग है जो कि अनपेयर टैग है, वो आप लिखेंगे तो नई लाइन आएगी। फाइल करेंगे सेव और रिफ्रेश करके देखिए, देखिए नई लाइन आ गई, है ना। तो समझे बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, HTML एलिमेंट जो आप काम में लेते हैं उसके अनुसार आपका वेब पेज दिखाई देता है ब्राउजर पर, और जब भी कोई चेंजेस करें उनको सेव करिए। ऐसा नहीं कि भाई लाइट चल जाएगी हमारा पेज वो डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेव करने पर ही आप जब ब्राउजर पर रिफ्रेश करेंगे, F5 की शॉर्टकट की है वो दबाएंगे, तभी पेज रिफ्रेश होगा, जो भी आपने चेंजेस करे हैं वो तभी रिफ्लेक्ट होंगे। और आप भले कितनी एंटर की दे दीजिए वो नहीं मानता, या तो आप कोई ऐसा टैग लीजिए जैसे पैराग्राफ टैग है या हेडिंग टैग्स हैं, उनमें जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो नए लाइन से शुरू होते हैं। और अगर हमें बताना है, हमने सिंपल कोई टैग नहीं लिखे हैं लेकिन हमें कोई टेक्स्ट नई लाइन से शुरू करना है, तो एक टैग हमने पढ़ा जो कि क्या है, br टैग, ब्रेक रूल, मतलब br नई लाइन। अगर हमें नई लाइन से कुछ भी शुरू, लाइन ब्रेक करनी है हमें, लाइन ब्रेक के लिए ये इस्तेमाल होता है, तो br टैग। और ये अनपेयर्ड है, इसकी क्लोजिंग देने की जरूरत नहीं है। तो हमने दोनों तरह के टैग देख लिए, पेयर्ड अनपेयर्ड। ये अनपेयर्ड है, इसको आपको स्लैश लगा के क्लोज नहीं देना, दिस इज जस्ट टू लाइन ब्रेक, राइट। तो बच्चों आज हमने प्रैक्टिकली भी करके देखा, ब्राउजर में रन करके देखा अपना एक वेब पेज। तो अब आप भी प्रैक्टिस करिए, नए नए तरह के वेब पेज बनाइए, .html से सेव करिए, ब्राउजर में रन करके देखिए, जब भी कोई चेंजेस करें सेव करिए और फिर रिफ्रेश करिए। तो इस तरह से एक अपना प्रोजेक्ट, एक दिमाग में कुछ लेके चलिए कि मैं अपने स्कूल की वेबसाइट बनाऊं या मैं कोई चीज ऐसे बनाऊं, और उसके अनुसार आप कागज पे करके भी ऐसा ऐसा दिखेगा वो करिए, और फिर धीरे धीरे हम अलग अलग HTML एलिमेंट्स पढ़ते जा रहे हैं तो आप उनको ट्राई कीजिएगा, अपने वेबसाइट को, अपने वेब पेज को एकदम अलग सा आप बना सकते हैं अलग अलग HTML एलिमेंट्स सीखकर। चलिए बच्चों आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।